क्वेश्चन नंबर 13 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया, अ मास ऑफ 10 केजी इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर, लेंथ 4 मीटर दिया गया है, मास 10 केजी दिया गया है फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वर्टिकल, देन एफ इक्वल्स, एफ का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कहा गया है कि जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द रोप इज मासलेस। मैंने फिगर बनाया है, यहाँ पर देखेंगे ये रोप है और ये 10 kg का मास है, है ना। बीच में से एक फोर्स लगाया गया है एफ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो इसका जो इंक्लिनेशन है अपर हाफ पोर्शन का वो वर्टिकल से 45 डिग्री है। तो इस इक्विलिब्रियम में इस एफ का वैल्यू पता करना है, ठीक। तो देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है इसका खुद का वेट आएगा 10 g। अगर इस ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम देखेंगे तो इधर एफ लग रहा है, इधर आएगा टेंशन टी, ठीक। अगर ये टेंशन टी है तो इसके दो कॉम्पोनेंट आएंगे इक्विलिब्रियम में, है ना। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, इधर आएगा टी कॉस 45 और इधर आएगा टी साइन 45, ठीक। तो चूंकि ये पॉइंट जो है या ज्वाइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो कह सकते हैं कि वर्टिकल फोर्स टी कॉस 45, है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये 10 g यानी कि 100 न्यूटन हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से लिखेंगे टी साइन 45 इज इक्वल टू एफ, इनका रेशियो निकालेंगे, है ना, रेशियो निकालेंगे तो आएगा साइन 45 बाई कॉस 45, ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ बाई 100, ये हो गया टेन 45 जो कि 1 होता है। तो एफ का जो वैल्यू है ये आया 100 न्यूटन, है ना। और यही पूछा गया था, तो देखेंगे पहला ऑप्शन जो है वो 100 न्यूटन दिया गया है और इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है।